हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हम लाए हैं आई फाल्कन की लेटेस्ट मॉडल। दोस्तों तो काफ़ी अच्छा मॉडल है, काफ़ी स्लिम है और आप देख रहे होंगे जिस तरह से इसका यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की बॉर्डर लाइन मिलती है यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे। और इसके जो बेजल है काफ़ी थिन है, काफ़ी पतले हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको 4K HD भी मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर तो एंड्रॉयड TV मिल रहा है दोस्तों, और ब्लूटूथ भी मिल रहा है, और गूगल असिस्टेंट और TCL की ब्रांडिंग भी मिल रही है दोस्तों। तो TV काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना होगा आई फाल्कन TV में। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, और देखिए आपको मैं इसका एंड्रॉयड चला कर दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों एंड्रॉयड इसका काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी देखिए यहाँ पर काफ़ी स्मूथ चल रहा है। मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप स्मूथ देख रहे होंगे किस तरह से स्मूथ इसका UI काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी भी इसकी अच्छी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक YouTube वीडियो चला के दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखा देते हैं प्ले करके। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ऐसे करूँगा। दोस्तों क्वालिटी इसकी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन TV है। आपको देख रहे होंगे आप इस तरह से, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका व्यू एंगल भी काफ़ी अच्छा है, बेजल काफ़ी थिन है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 2 GB मिलने वाला है दोस्तों, आपको इसमें सिर्फ 2 GB मिलेगा। जैसे कि इसका जो दूसरा मॉडल है उसमें आपको 2.5 GB मिलता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए काफ़ी बेहतरीन TV, पिक्चर क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर क्वालिटी मोबाइल में, मेरे ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो आपको वीडियो क्वालिटी इसमें मेरे मोबाइल में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और रियलिटी में देखने में काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है दोस्तों इसकी। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों आपको इसमें एक ही रिमोट मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर के मामले में ये TV बहुत ही ज़्यादा पीछे है दोस्तों। फ्यूचर आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर एक ही रिमोट मिलेगा आपको, ना आप इसमें स्क्रीन कास्ट, आप इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसमें जैसे आप मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते। जैसे आपको फटाफट रिवर्स फास्ट करना होगा तो वो भी नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात, इसमें आपको माउस नहीं मिलता दोस्तों, जो स्पेशली माउस होता है, जैसे आपको TV में देख रहे होंगे आप माउस जैसे घुमाते हैं, तो वो माउस भी नहीं मिलने वाला है आपको इसमें। तो फ्यूचर के मामले में TV बहुत ही पीछे है दोस्तों। और इसमें आपको जो डुअल वाईफाई बैंड है वो भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक ही सिंगल वाईफाई बैंड मिलता है दोस्तों। तो फ्यूचर के मामले में काफ़ी पीछे है दोस्तों, और रिमोट भी आपको एक ही मिलेगा, और इसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। रिमोट देखिए आप, इसका बेसिक सा रिमोट आपको मिलने वाला है। तो आप इसमें ना तो TV की सेटिंग कर सकते हैं, ना तो आप TV की सेटिंग की पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और ना ही आप जैसे अगर आपको जैसे शॉर्टकट में जाना हो तो आप शॉर्टकट में नहीं जा सकते, आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि माना की बात, मुझे सीधा नीचे में जाना है तो आप डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकते, आपको एक एक बटन दबाना पड़ेगा दोस्तों इसमें। अब एक एक बटन दबाने के बाद नीचे जाना पड़ेगा, और आपको कोई ऐप डायरेक्ट चुनना होगा तो आप चुन नहीं सकते इसमें। तो काफ़ी आपको इसमें जो TV है काफ़ी बहुत पीछे दिया गया है, इसके फीचर काफ़ी पुराने दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फीचर के मामले में काफ़ी पुरानी है, डुअल बैंड वाईफाई भी नहीं है दोस्तों इसमें, तो सिंगल वाईफाई बैंड है। तो मैं आपको लेने से पहले ये ज़रूर बता दूंगा। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको ना तो बाउंस मिलने वाला है, ना आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ना स्क्रीन शॉट, ना आप इसमें कोई फास्ट नंबर से टाइपिंग कोई वीडियो। और इसमें डुअल जैसे आप सेटेक बॉक्स और TV का रिमोट एक ही नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसमें काफ़ी बहुत ही कम फीचर है, खाली TV आपको मिलने वाली है 55 इंच की, और थोड़ा सा फ्यूचर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्रोम कास्ट है, इनबिल्ट है इसमें दोस्तों। क्रोम कास्ट की मदद से आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर TV में बहुत सी चीज़ों का कटौती किया गया है दोस्तों। रिमोट भी आपको एक ही मिलेगा, और जो दोस्तों इसका साउंड भी, साउंड मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। तो यहाँ पर आपको मैं साउंड सुनाऊँगा आपकी एक YouTube वीडियो में। मैं एक 3D साउंड चलाता हूँ यहाँ पर, तो आपको 3D साउंड बताता हूँ दोस्तों। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, तो इसमें डेडिकेट माइक आपको नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले ओके गूगल बोलना होगा, उसके बाद भी आपको जो आपको सर्च करना होगा वो वीडियो सर्च करना होगा। तो दोस्तों इसमें स्पेशल माइक भी नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको दूसरे मॉडल में दिखाना हो, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है आई फाल्कन का दूसरा मॉडल। तो देखिए आपको इसमें डेडिकेट माइक मिलता है, तो आप माइक का बटन दबा के सीधा कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं।
तो आपको इस वाले मॉडल में आपको इसमें माइक भी नहीं मिलने वाला। तो आप डेडिकेटेड आपको गूगल असिस्टेंट में आपको पहले बोलना पड़ेगा कि, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गूगल बटन का प्रेस करना पड़ेगा, ओके गूगल पानी पानी हो गई सॉन्ग, पानी पानी हो गई सॉन्ग, ओके गूगल पानी पानी, ओके गूगल, ओके गूगल पानी पानी हो गई। देखिए इसको ओके गूगल जरूर बोलना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये टीवी सर्च करेगी। तो इसमें मुझे ये भी काफ़ी प्रॉब्लम लगी दोस्तों, इसमें डेडिकेट माइक आपको नहीं मिलने वाला। तो जैसे कि इसके दूसरे मॉडल में मिलने वाला था, देखिए यहाँ पर। तो आप रिमोट में भी क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, आपको रिमोट भी काफ़ी प्रीमियम मिलने वाला है। तो मैं आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। तो फीचर के मामले में बहुत ही कम फैसिलिटी दी गई, और आपको इसमें डेडिकेट माउस भी नहीं मिलता दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो आप देख रहे होंगे, देखो ओके, काफ़ी सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम है इस टीवी में दोस्तों। तो मुझे काफ़ी दिक्कत लगी है तो आपने देखा कि जिस तरह से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है इस टीवी में कनेक्टिविटी का, तो ये तुरंत सर्च नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो मैं आपका इसी कंपेरिजन में दूसरी टीवी का भी दिखाऊंगा, हाई फाल्कन की टीवी के बारे में, तो जिसमें आप माइक से बोलते ही तुरंत सर्च करता है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे फ्यूचर वाइज इसमें काफ़ी बहुत ही कमी लगी दोस्तों, बहुत ही कमी है फ्यूचर वाइज। तो फ्यूचर में जल्दी से ये सर्च नहीं करता है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी आप इसमें आपको माउस। अगर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो में जाना है, इससे नीचे वाली वीडियो में जाना है, तो पहले आपको नीचे माउस खिसकाना पड़ेगा, आप इसमें माउस नहीं मिलने वाला। तो माउस के द्वारा आप डायरेक्टली किसी भी वीडियो में जा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए फीचर काफ़ी कम मिलने वाला है। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये टीवी पसंद आती है। तो बाकी मैं आपका इसका रिव्यू जरूर बताऊंगा दोस्तों, तो रिव्यू आपको देख ही रहे होंगे, फीचर वाइज अच्छा है दोस्तों। तो टीवी की क्वालिटी ओके ही है दोस्तों, ज़्यादा बेहतरीन नहीं बोलूँगा मैं, 0.5 पॉइंट में से 3.5 रेटिंग दूंगा दोस्तों इसे। तो आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।